दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपने जज्बे और जुनून से इतिहास को बदल दिया और सभी को यह दिखा दिया कि अगर इंसान दिल से कुछ चाहे और उसे पूरा करने की ठान ले तो वह कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्विमिंग के बादशाह और ओलंपिक के आज तक के सबसे महान खिलाड़ी माइकल फेल्प्स की, जिनके नाम आज के समय में कुल 83 मेडल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, उन मेडल्स में से 28 मेडल उन्होंने ओलंपिक में जीता है और उन 28 मेडल्स में भी 23 गोल्ड मेडल हैं। दोस्तों आप मेडल का महत्व इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत सन 1900 से लेकर अभी तक केवल 28 मेडल जीतने में सफल हो सका है और उसमें भी सिर्फ 9 गोल्ड मेडल हैं। फेल्प्स ने 2008 के ओलंपिक में स्विमिंग के सभी फॉर्मेट्स में कुल 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। यह कारनामा भी उन्होंने ऐसे समय पर किया जब 2008 ओलंपिक के 2 साल पहले उनके दाहिने हाथ की कलाई फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आप अब अपने हाथ का यूज उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे जैसा कि पहले करते थे। लेकिन फेल्प्स इस बात को सुनने के बाद पहले से 2 गुना प्रैक्टिस करने लगे और 2008 के ओलंपिक में मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सभी को गलत साबित कर दिया। दोस्तों एक आम आदमी अपनी दिन भर की एनर्जी के लिए कुल 2000 से 2500 कैलोरी लेता है, लेकिन माइकल फेल्प्स को अपने प्रैक्टिस के लिए 12000 कैलोरी लेना पड़ता था। दोस्तों इस बात से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि एक अकेले इंसान को इतना बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम माइकल फेल्प्स के इस प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका के बाल्टीमोर नाम की जगह पर हुआ था। फेल्प्स के माता पिता ने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही उन्हें स्विमिंग क्लासेस भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मकसद केवल उन्हें तैरना सिखाना था। लेकिन आगे चलकर फेल्प्स के अंदर स्विमिंग का जैसे पागलपन सा हो गया और उन्होंने इसी खेल में अपना कैरियर बनाने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते अपने प्रैक्टिस के दम पर उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि अपने एज ग्रुप के लगभग सभी नेशनल रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला। उसके बाद बाब बाउमैन से ट्रेनिंग लेते हुए सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने 2000 समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया और पिछले 68 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बने। हालांकि वे उस ओलंपिक में एक भी मेडल जीतने में सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए अपने प्रैक्टिस को जारी रखा और फिर 2004 के समर ओलंपिक में उन्होंने ओलंपिक के खेलों में जीतने की शुरुआत की और कुल 6 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज के साथ 8 मेडल अपने नाम कर बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। इसी ओलंपिक के ही एक मैच में वे अपने बचपन के हीरो इयान थोर्प के साथ भी कम्पीट कर रहे थे। सभी रेस खत्म होने के बाद मीडिया वालों ने इयान थोर्प से पूछा कि क्या आपको इस ओलंपिक के रिकॉर्ड्स को देखते हुए लगता है कि फेल्प्स अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं। तो उस बात का उत्तर देते हुए इयान थोर्प ने कहा कि यह कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा करना लगभग असंभव है और फेल्प्स ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। जब यह बात फेल्प्स के पास पहुंची तभी उन्होंने ठान लिया कि वे अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीत कर ही रहेंगे और फिर उन्होंने अपने प्रैक्टिस को और भी बढ़ा दिया, यहां तक कि वे छुट्टियों में भी प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन 2008 ओलंपिक के 2 साल के पहले उनके दाहिने हाथ की कलाई फ्रैक्चर हो गई, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में पहले भी जिक्र किया था, और डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आप अब अपने हाथ का यूज उस स्पीड से नहीं कर पाएंगे जैसा कि पहले करते थे। लेकिन यह बात जानने के बाद हाथों का कम यूज करते हुए फेल्प्स ने अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को कुछ इस तरह तैयार कर लिया कि 2008 के ओलंपिक में सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए
स्विमिंग के सभी फॉर्मेट में जीतकर इतिहास रच डाला और मार्क स्पिट्स के 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 8 गोल्ड अपने नाम किया और ऐसा कारनामा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बने। उसके बाद भी फेल्प्स शांत नहीं बैठे और 2012 के ओलंपिक में भी उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल के साथ 6 मेडल अपने नाम किया। 2012 ओलंपिक के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, लेकिन वे अपनी लाइफ में स्विमिंग को इतना टाइम दे चुके थे कि अब बिना इस खेल के वे रह नहीं पा रहे थे। इसीलिए 2014 में उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले लिया और अगले 2 सालों की कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और वहां भी 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस तरह से उन्होंने अपने लास्ट 4 ओलंपिक में कुल 23 गोल्ड मेडल जीतकर किसी भी खेल में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और फिर आखिरकार इस महान खिलाड़ी ने 2016 रियो ओलंपिक के बाद फाइनली रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों, फेल्प्स ने अपने जीवन से हमें यह सिखा दिया कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।